बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो लेक्चर नंबर 21, असेंबली द टेस्ट। दिस इज द 4.4 पॉइंट फ्रॉम योर आउटलाइन, चैप्टर नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 4.4, असेंबली द टेस्ट। दीज आर बेसिक आउटकम्स that after completing this all lecture, students will be enabled to understand the test construction procedure, to know types of test items, and to understand weight of each type item, how to make them part of a test. Now, what is the old belief about teaching? Education is a process where the notes of the teachers or the contents in the books are transferred to the notebooks of the students without understanding them. This was an old concept. At that time, teacher was only a dictator and he was trying to give all information to student and try to that student will note those all information in their notebooks, etc., etc. But now the concept of teaching is becoming a bit different. Achha, test construction kya hai, ye kis tarah ho rahi hai? I found out this, mujhe ye ek picture mili and this was very अट्रैक्टिव फॉर मी, और मुझे एकदम से ख्याल आया कि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स पार्ट्स में चीज़ें कर रहे हैं, बीच में छुट्टियां आ गई और ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ रियल क्लासरूम एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग इट ऑन फेस टू फेस एंड वाइल वी आर डिस्कसिंग इट थ्रू ई लर्निंग, सो वी हैव टू मेक थिंग्स मोर क्लियर एंड मोर स्पेसिफाइड टाइम टू टाइम. सो आई फाइंड आउट दिस थिंग्स. देर आर बेसिकली टेस्ट कंस्ट्रक्शन के उसने यहाँ पे तीन प्रोसीजर्स के बारे में बताया हुआ. जो ये वाला पेज है इसका लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है, रेफरेंसेस में सबसे टॉप वाला लिंक है. इसको प्लीज़ आप एक दफ़ा ज़रूर विजिट कीजिएगा इस पेज को. इसमें आप जितने भी इसमें जैसे लाइक वाइज प्लानिंग है, प्लानिंग के थ्री स्टेप्स हैं. अगर आप सिर्फ क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स पे क्लिक करेंगे तो उसकी बहुत अच्छी डिटेल्स आती हैं, ब्लूम लेवल्स आते हैं. हर चीज़ के ऊपर क्लिक करने से उस चीज़ की मज़ीद डिस्क्रिप्शन आ जाती है. दैट वॉज़ वेरी यूनिक, दैट वॉज़ वेरी इंफॉर्मेटिव. सो आई थिंक ये आप सबको एक दफ़ा देखना चाहिए. टेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, डिवेलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग. ठीक है, सबसे पहले हमने प्लानिंग स्टेप की बात की थी. लास्ट वाले जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें हमने प्लानिंग की बात की थी, जिसमें हमने क्लैरिफाइंग ऑब्जेक्टिव, ब्लूम टैक्सोनॉमी और क्रिएट द ब्लूप्रिंट, जिसको हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इन तीन चीज़ों की बात की थी. दीज वर और लेक्चर नंबर ऑलमोस्ट 15, 16, 17, 18. ठीक है, उसके बाद हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पहले भी पढ़ी थी और आज के टॉपिक में भी मैं अगेन आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ज़रूर दूंगी. ठीक है, डेवलपमेंट की बात हम पहले कर चुके हैं. सो आप दो जो आपके बेसिक जो चीज़ें उनमें से आप गो थ्रू हो चुके हैं, प्लानिंग और डिवेलपिंग में से. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन. सबसे पहले असेंबलिंग क्वेश्चन, जैसे हमने आज जिस टॉपिक को करना है, दैट असेंबलिंग द क्वेश्चन. बेसिकली असेंबलिंग क्वेश्चन एक लंबा प्रोसीजर है. इसके अंदर टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, इसके अंदर टेस्ट डिस आइटम डिफिकल्टी आती है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन आती है, और जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो इन्हीं सब चीज़ों को कवर करेगा. तो यहाँ आज हम असेंबली द टेस्ट में एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे सिंपली इम्प्लीमेंटेशन स्टेज का, और उसके बाद हाउ वी आर एडमिनिस्ट्रिंग, एनालाइजिंग एंड रिवाइजिंग और टेस्ट कोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बेसिकली यहाँ मैं आपको एक प्रोसीजर से एक्चुअली क्लैरिफाई करना चाह रही थी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, असेंबली द टेस्ट. व्हाट इज असेंबलिंग? फिट टुगेदर द सेपरेट कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ अ मशीन और अदर ऑब्जेक्ट्स, और टू फिट टुगेदर द पार्ट्स और पीसेस. चीज़ों को, डिफरेंट हिस्सों को आपस में इकट्ठा कर देना. जैसे बच्चे देखें लीगो खेलते हैं, तो लीगो में बच्चे डिफरेंट छोटे छोटे जो उनके पार्ट्स होते हैं उनके ब्लॉक्स के, उनको इकट्ठा करके तो कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने क्रिएट करते हैं. इसी तरह हम बच्चों को पजल्स देते हैं, पजल्स के डिफरेंट पीसेज और पार्ट्स होते हैं, बच्चे उन्हें इकट्ठा करते हैं तो हमारे सामने एक क्लियर और स्पेसिफिक पिक्चर आती है. इन द सेम वे असेंबलिंग मीन्स टू मेक थिंग्स टुगेदर एंड टू फिट देम, टू फिट डिफरेंट पार्ट्स इन वन पिक्चर. नाउ व्हाट इज टेस्ट असेंबलिंग? टेस्ट असेंबलिंग मीन्स रिकॉर्ड टेस्ट आइटम्स, रिव्यू टेस्ट आइटम्स एंड अरेंज टेस्ट आइटम्स. व्हाट इज रिकॉर्डिंग द टेस्ट आइटम्स? दिस इज द फर्स्ट स्टेप. बेसिकली व्हेन कंस्ट्रक्टिंग द टेस्ट आइटम्स, इट इज डिजायरेबल टू राइट ईच वन ऑन अ सेपरेट इंडेक्स कार्ड
इन एडिशन टू द टेस्ट आइटम्स द कार्ड शुड कंटेन इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स द स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स एंड द कॉन्टेंट मेजर्ड बाई द आइटम आवर स्पेस शुड ऑल्सो बी रिवर्स फॉर आइटम एनालिसिस इंफॉर्मेशन यूजली ऑन द बैक ऑफ द कार्ड टू अलाउ रूम टू रिकॉर्ड द डेटा ईच टाइम द टाइम इज यूज आइटम कार्ड्स प्रोवाइड फ्लेक्सीबिलिटी एज आइटम्स आर रिव्यूड एंड एडिटेड दे कैन बी एलिमिनेटेड एडेड और रिवाइज विद वेरी लिटल डिफिकल्टी द सेम होल्ड्स ट्रू वेन अरेंजिंग द आइटम्स फॉर द टेस्ट दे कैन बी अरेंज एंड री अरेंज मेयरली बाय सॉर्टिंग कार्ड्स द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ दिस रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑल्सो मेक इट पॉसिबल बिल्ड अ कार्ड फाइल और इफेक्टिव आइटम फॉर फ्यूचर यूज नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू द टेस्ट आइटम्स और रिव्यूइंग द टेस्ट आइटम्स नो मैटर हाउ केयरफुली टेस्ट आइटम्स हैव बीन प्रिपेयर्ड डिफेक्ट्स आर अ पार्ट ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन एज वी कंसनट्रेट ऑन द क्लैरिटी एंड कॉन्शियसनेस ऑफ अ क्वेश्चन अ वर्बल क्लू स्लिप्स इन इज अननोटिस्ड एज वी अटेम्प्ट टू इंक्रीज एन आइटम्स डिफिकल्टी वी अनविटिंगली अनविलिंगली इंट्रोड्यूस सम एम्बिग्युटी एज वी रीवर्क एन आइटम टू मेक द इनकरेक्ट चॉइसिस मोर प्लॉजिबल द बिहेवियर कॉल्ड फोर्थ बाय द आइटम टू अनइंटेंशनली मॉडिफाइड रिव्यूइंग द आइटम आफ्टर दे हैव बीन सेट असाइड फॉर अ फ्यू डेज आस्किंग अ फेलो टीचर टू रिव्यू द क्रिटिसाइज दैम मतलब आप जो भी आइटम्स बनाए उनको पहले एक दफ़ा बनाए और उन्हें साइड पर कर दें उसके बाद अपने किसी कुलीग से कहें कि वो इन आइटम्स को एक दफ़ा चेक करें और उनको रिव्यू करें इन रिव्यूइंग टेस्ट आइटम्स वी शुड ट्राई टू व्यू द आइटम फ्रॉम द स्टूडेंट्स व्यू पॉइंट मतलब अगर एक PhD टीचर है तो और वो BSc के बच्चे के लिए BS के स्टूडेंट और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे के लिए कोई टेस्ट बना रहा है तो डेफिनेटली उसे PhD के लेवल के मुताबिक टेस्ट नहीं कंस्ट्रक्ट करना बल्कि वो जिस स्टूडेंट के लिए वो टेस्ट बना रहा है उसे उस स्टूडेंट का व्यू पॉइंट मद्देनजर रखना है एज वेल एज फ्रॉम दैट ऑफ द टेस्ट मेकर्स From these two vantage points, each item should be read carefully and its possible functioning effectiveness judged. और उसके लिए हमारे पास फिर दो चीज़ें हैं Is the item format appropriate for the learning outcomes being measured? जो भी हम outcomes बच्चे से लेना चाह रहे हैं क्या ये test item उनके मुताबिक है Does the knowledge, understanding or thinking skill called forth by the item match the specific learning outcomes and subject matter content being measured? और जो भी चीज़ें आप जो भी आप उससे बच्चे से ले रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल हैं उससे नॉलेज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है देन इज द पॉइंट ऑफ द आइटम क्लियर इज द आइटम फ्री फ्रॉम एक्सेसिव वर्बेज इज द आइटम अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी डज द आइटम हैव एन आंसर दैट वुड बी एग्रीड अपॉन बाय एक्सपर्ट्स इज द आइटम फ्री फ्रॉम टेक्निकल एरर्स एंड इररिलेवेंट क्लूज And then at the end, we will arrange items in a test. There are various methods of grouping items in an achievement test. And the method will vary somewhat with the use to be made of the results. For most classroom purposes, the items can be arranged by systematic consideration of the type of item used, the learning outcomes measured, the difficulty level of the items, and the subject matter measured. First and foremost, the item should be arranged in section by item type. That all true-false items should be grouped together, then all matching items, then all multiple choice, and so on. This arrangement requires the fewest sets of directions. It is the easiest for the student because they can retain the same mental set throughout each section, and it greatly facilitates scoring. When two or more items types are included in a test, there is also some advantages in keeping the simpler item types together and placing more complex ones in the test. जैसे कि हम true false, matching item, short answer item, multiple choice item, interpretive test और ऐसे क्वेश्चन सबको पेपर में शामिल करते हैं और अगर हम चैप्टर वन में से दो MCQs ले रहे हैं चैप्टर टू में से चार ले रहे हैं चैप्टर थ्री में से एक ले रहे हैं तो हमें उनको जैसे टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन हमने शो किया है उस तरह हमने अलग अलग चैप्टर वाइज नहीं लिखना बल्कि उनके सेक्शन बना लेते हैं क्वेश्चन वन उसमें पूरी बुक से या जितना कंटेंट आपने कवर करवाया उसमें से आप MCQs रखें क्वेश्चन टू में फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चन थ्री में आप मैचिंग टाइप करवा लें क्वेश्चन फोर में शॉर्ट आंसर रखें और क्वेश्चन फाइव में लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनको इंक्लूड कर दें इससे क्या होता है कि उससे पेपर की स्कोरिंग भी आसान होती है और स्टूडेंट को अपनी मेंटल एबिलिटीज के मुताबिक पेपर को एक सेट के मुताबिक सॉल्व करने में भी आसानी होती है आइटम्स शुड बी अरेंज
अकॉर्डिंग टू टाइप्स, ये वही बात जो भी मैंने आपको बताई है, आइटम शुड बी अरेंज इन ऑर्डर टू ऑफ डिफिकल्टी, इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं। पहले आसान सवाल पेपर में शामिल करें जब आप टेस्ट असेंबल करते हैं, और उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पेपर में इंक्लूड करें। आइटम्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर कॉन्टेंट में भी ग्रुप टुगेदर, ठीक है, जैसे सेम सब्जेक्ट मैटर कॉन्टेंट है उसमें हम लोग एक जैसी आइटम्स जो है उनको इकट्ठा कर सकते हैं। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, अवॉइड अंडरस्टैंडेबल स्मॉल मीनिंगलेस और एंड कन्फ्यूजिंग आइटम्स, ऐसी चीज़ें जो छोटी हैं मीनिंगलेस हैं उनको अलग कर दें, उनको पेपर का हिस्सा नहीं बनाइए। ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ एक्सप्रेशन, ग्रामर एंड पंक्चुएशन, अवॉइड आइटम्स दैट हैव नो आंसर अपॉन विच ऑल एक्सपर्ट्स विल एग्री, जिन सवालों के जवाब नहीं होते उन्हें अवॉइड करें। अवॉइड ट्रिक और कैच आइटम्स, ऐसी आइटम्स को पेपर में शामिल ना करें जिसमें से कोई क्लू मिलता हो या स्टूडेंट बहुत जल्दी गैसिंग कर सके। वाइड आइटम्स विच कंटेन इरेलीवेंट क्लूज, ऐसी चीज़ों को भी शामिल ना करें जिसका कोई रेलिवेंट क्लू हो। वाइड आइटम्स विच प्रोवाइड द आंसर टू अदर आइटम्स, ऐसे सवालों को शामिल करने से परहेज करें जिससे नेक्स्ट सवालों के जवाब भी मिल जाए। ऑल द स्टूडेंट्स आर टू मेक टेक द सेम टेस्ट एंड परमिट नो चांस अमंग आइटम्स, और इसमें सब बच्चों को एक ही तरह का टेस्ट देने की कोशिश करें। असेंबल द टेस्ट आइटम्स गाइडलाइंस, एक पेपर को असेंबल करने की जो गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुप ऑल टेस्ट आइटम विथ सिमिलर फॉर्मेट, ठीक है, एमसीक्यूज अलग कर लें, शॉर्ट आंसर अलग करें, लॉन्ग को अलग कर दें। अरेंज टेस्ट आइटम फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, स्पेस द टेस्ट आइटम फॉर इजी रीडिंग, ठीक है, उनके दरमियान स्पेस प्रॉपर रखें, क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं चढ़ाएं, एक दो पेपर्स के ऊपर क्वेश्चन आइटम्स को शामिल कर लें, लेकिन आपका पेपर जो है उसमें बहुत क्लियरली बहुत दूर दूर जो है वो आइटम्स लिखी हुई हो। कीप आइटम्स एंड ऑप्शंस इन द सेम पेज, कोशिश करें कि अगर आप एमसीक्यूज ले रहे हैं तो एमसीक्यूज की स्टेम्स और उनके ऑप्शंस उसी पेज के ऊपर आएं, ये ना हो कि अगर आपका 16वां एमसीक्यू है तो स्टेम एक पेज पे और उसका आंसर दूसरे पेज पे जा रहे हो। चेक द आंसर की, ओ सॉरी, प्लेस द इलुस्ट्रेशंस नियर द डिस्क्रिप्शंस, चेक द आंसर की, जो भी आपके आंसर की हैं उनको चेक कर लें। डिसाइड वेयर टू रिकॉर्ड द आंसर, और इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि आपने जो पेपर बच्चे से लेना है या रिकॉर्ड करवाना है, जो पेपर पेंसिल टेस्ट कंडक्ट होगा उसके लिए वेन्यू क्या होगा और वो कौन सी जगह होगी जहाँ पे बच्चे इकट्ठे होकर आपको पेपर दे सकेंगे। नाउ डिवेलपिंग सम टेस्ट डायरेक्शंस इंक्लूड पर्पज ऑफ टेस्टिंग, सबसे पहले आपको टेस्ट का पर्पज बताना है। अमाउंट ऑफ टाइम अलाउड, आप कितने टाइम के लिए टेस्ट ले रहे हैं। प्रोसीजर्स फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, पेपर में क्वेश्चन पूछने का प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर्स फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट, इसको कंप्लीट मतलब जैसे हम एमसीक्यू देते हैं 15 मिनट के बाद लेते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं 15 मिनट के बाद उनको बता देते हैं कितना टाइम गुजर गया, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। प्रोसीजर शुड बी देयर और वो क्लियरली बच्चों को बता दें। प्रोसीजर फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट, प्रोसीजर्स फॉर रिटर्निंग टेस्ट मटीरियल, और कितने टाइम के बाद स्टूडेंट्स को मटीरियल जो है वो वापस करना है और किस स्टेप से वापस करना है। कंसीडर सैम्पल आइटम्स टू एड फेयरनेस, ठीक है, टेस्ट फॉर्मेट अनयूजुअल और अनफेमिलियर रिड्यूसेस टेस्ट एंग्जाइटी। अगर आप सैम्पल टेस्ट बच्चों को देंगे, पहले से बच्चों को कोई सैम्पल पेपर करवाएंगे, तो उससे बच्चों के अंदर जो है ना अनफेमिलियरिटी खत्म होती है, अनयूजुअलिटी खत्म होती है, और वो पेपर फॉर्मेट से बहुत हद तक मानूस हो जाते हैं, और इससे बच्चों के अंदर टेंशन स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत हद तक इलिमिनेट हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्शन हेल्प इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट डिलीवरी, अब एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनकी डायरेक्शंस की वजह से भी स्टूडेंट को पेपर में हेल्प मिलती है। रीड अलॉन्ग इंस्ट्रक्शंस, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को लाउडली स्टूडेंट्स के सामने रीड आउट कर दें। हैंडलिंग डॉक्यूमेंटिंग इरेगुलरिटीज, और अगर खुदा ना खास्ता कोई डॉक्यूमेंट्स में इरेगुलरिटीज हैं तो उनको टैकल करें। मॉनिटरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जितने भी टीचर्स उनके अंडर काम करें या कोऑर्डिनेटर्स या सबॉर्डिनेट्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर को टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। प्रिपेयर डायरेक्शन फॉर द टेस्ट और असेसमेंट, जो भी आपने टेस्ट लेना है टेस्ट असेंबलिंग के वक्त उसकी डायरेक्शंस आपने देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फॉरमोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेस लाइन है, दैट इज पर्पज ऑफ टेस्ट और असेसमेंट। सेकेंडली, टाइम अलाउड फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट। थर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड द आंसर। फोर्थ, हाउ टू डू अबाउट गेसिंग फॉर सिलेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स। और लास्ट विद द बेसिस फॉर स्कोरिंग ओपन एंडेड और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, के कितने कितने मार्क्स की चीज़ों को शामिल करना है। नाउ दीज आर द फाइव मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट फॉर्मेट्स, जिसमें हम एम सी क्यूज की बात करते हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग टाइप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं एंड ऐसे टाइप्स हैं। गाइडलाइंस फॉर डिवेलपिंग टेस्ट आइटम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल चॉइस आइटम्स। ईच आइटम शुड बी एज शॉर्ट एंड वर्बली ईजी एज पॉसिबल।
की वी चेक देम इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर आइटम, डोंट गिव द आंसर अवे टू अनदर आइटम, इफ वन और मोर अल्टरनेटिव्स आर पार्शली करेक्ट आस्क फॉर द बेस्ट आंसर. मतलब अगर आपके पास दो या तीन ऑप्शंस बच्चे को जो आपने दिए हैं डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो आपको ठीक नज़र आ रहे हैं तो उसको कहेंगे जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है या बेस्ट है उसको आंसर कर दें. यूज़ अ लॉजिकल सीक्वेंस फॉर ऑल्टरनेटिव, मेक ऑल इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव, ऑल ऑल्टरनेटिव शुड बी आइडेंटिकल इन कॉन्टेंट फॉर्म एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. अब ये ना हो ना कि कुछ चीज़ें जैसे कायदे आजम कब पैदा हुए तो आप एक दफ़ा दिसंबर लिख दें और बाकी आप लिख दें 1940, दूसरा लिख दें जनवरी और तीसरा आप लिख दें 1925 ओनली. तो ये जो सीक्वेंस है दैट शुड बी सेम. अगर आप डेट पूछ रहे हैं तो डेट मेंशन करें, और अगर आप उसमें कोई मंथ पूछ रहे हैं तो उस मंथ को मेंशन करें, अगर आप सन पूछ रहे हैं तो सन सारे के सारे मेंशन करें. और हमेशा कोशिश करें कि इसमें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो भी आपके आंसर्स हैं उनको लिखें, और अगर आप लोग डेट्स पूछ रहे हैं सन पूछ रहे हैं तो उसको भी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर से पूछें. यूज़ फोर और फाइव ऑल्टरनेटिव्स ऑन ईच आइटम, ए बी सी डी ई तक आपको जाना चाहिए. तीन ऑल्टरनेटिव्स के साथ आपको एमसीक्यूज नहीं बनाने. वाइड टर्म सच एज ऑलवेज और नेवर एज दे जनरली साइन इन करेक्ट चॉइसिस. डू नॉट यूज नन ऑफ द अबव एज अ लास्ट ऑप्शन व्हेन द करेक्ट आंसर इज सिंपली द बेस्ट आंसर अमंग द चॉइसिस ऑफर्ड. ट्राई टू अवॉइड ऑल ऑफ अबव एज अ लास्ट ऑप्शन. इफ एन एग्जामिनी कैन एलिमिनेट एनी ऑफ द अदर चॉइसिस दिस चॉइस कैन बी ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड एज वेल. मतलब जब आप आंसर बनाएं तो उसमें ऑलवेज, नेवर, नन ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, ए एंड बी आर करेक्ट, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें. प्रॉपर वर्डिंग यूज़ करें, प्रॉपर अल्टरनेटिव्स बनाएं जिससे बच्चे को कोई क्लू भी ना मिले और वो आसानी से पेपर कर सकें. कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल चॉइस आइटम्स, यूज डायरेक्ट क्वेश्चन स्कीम. आइटम शुड बी क्लियर, डेफिनेट एंड एक्सप्लिसिट. एलिमिनेट अननीडेड लैंग्वेज और नॉन फंक्शनिंग वर्ड्स. अवॉइड नेगेटिव स्टेटेड आइटम्स. अवॉइड डबल रिस्क. ऑलमोस्ट दीज ऑल थिंग्स आई ऑलरेडी डिस्कस इन माई अर्लियर लेक्चर्स, सो आई एम गोइंग थ्रू जस्ट दीज ऑल थिंग्स एंड नॉट डिस्क्राइबिंग दैम इन वेरी डिटेल वे. चॉइसिस, प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव इन लॉजिकल, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल ऑर्डर, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया. प्रेजेंट फोर और मोर ऑप्शंस. रिस्पॉन्स ऑल्टरनेटिव शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. यूज अट्रैक्टिव एंड प्लॉजिबल ऑल्टरनेटिव. मेक रिस्पॉन्सिस अपियर इन रैंडम ऑर्डर. यूज रिस्पॉन्सिस ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ अबव विद कॉशन. फॉलो रूल्स ऑफ ग्रामर. गाइडलाइंस फॉर डिवेलपिंग टेस्ट आइटम्स, ट्रू और फॉल्स. पहले एमसीक्यूज की बात हुई है, ट्रू फॉल्स की बात हो रही है. अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ द मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट इन विच देयर आर ओनली टू पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स. दीज क्वेश्चन कैन बी यूज व्हेन द टेस्ट डिजाइनर विशेज टू मेजर अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई वेदर स्टेटमेंट और फैक्ट आर एक्यूरेट और नॉट. इसमें 50-50 चांसेस होते हैं क्वेश्चन आंसर के ठीक होने के लिए, ठीक है. और इसमें जो है वो गैस वर्क बहुत ज़्यादा चल सकता है क्योंकि इसमें आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस होती हैं. गाइडलाइंस फॉर डिवेलपिंग ट्रू फॉल्स टेस्ट आइटम. ईच स्टेटमेंट इज क्लियरली ट्रू और क्लियरली फॉल्स. स्टेटमेंट्स आर रिटन इन ब्रीफ विदाउट मोर एलेबोरेशन दैन नेसेसरी. स्टेटमेंट्स आर नॉट कोटेड एग्जैक्टली फ्रॉम टेक्स्ट. उनको एज इट इज टेक्स्ट में से उठा के नहीं लिखा जाता बल्कि थोड़ा स्टेटमेंट को घुमा फिरा के अपने वर्ड्स में पूछा जाता है. गिव एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव टर्म्स देन क्वालिटेटिव टर्म्स. अवॉइड यूजिंग ऑफ स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स व्हिच यूजुअली गिव्स अ क्लू टू द आंसर. फॉल्स, ऑल, ऑलवेज, नेवर, एवरी, नन, ओनली, एक्सेट्रा. ट्रू, जनरली, समटाइम्स, यूजुअली, मे बी, ऑफर. डिस्करेज द यूज ऑफ पैटर्न फॉर आंसर. देन कंस्ट्रक्टिंग ट्रू फॉल्स और ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स. Make statement 100% true or false if they are to be judged. Avoid the use of negative and especially double negative. Avoid long complex sentences. Avoid two ideas in one statement unless cause-effect relation. मतलब एक स्टेटमेंट में दो आइडियाज नहीं पूछें, एक स्टेटमेंट में एक आइडिया पूछें क्योंकि उसके मार्क्स वन होते हैं. इफ ओपिनियन इज यूज एट्रीब्यूटेड टू द सोर्स. अवॉइड द यूज ऑफ मॉडिफायर्स, नन, ऑलवेज, नेवर, नथिंग, ओनली. ये तकरीबन जितने भी हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर हम इस तरह की नेगेटिव जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं या मॉडिफायर्स हैं उनको अवॉइड करना होता है, उन्हें यूज़ नहीं करना होता बल्कि पॉजिटिव स्टेटमेंट को दिया जाता है. ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन नंबर, इक्वल इन लेंथ एंड रैंडमली अरेंज टू अवॉइड क्लूज. इसको दो लाइनों की बजाय सब स्टेटमेंट्स को एक लाइन में रखें. द करेक्ट रिस्पॉन्स शुड नॉट फॉलो अ पैटर्न. नोट, इफ दिस टेस्ट इज यूज अलोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम शुड बी 50 एज सजेस्टेड बाय ब्रैडफील्ड.
गाइडलाइंस फॉर डिवेलपिंग मैचिंग टाइप टेस्ट आइटम्स। द लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज शुड बी रिलेटिवली शॉर्ट, ये हम पहले कर चुके हैं। हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स। ओनली सिग्निफिकेंट वर्ड्स आर ओमिटेड, मतलब सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में जिन जगहों पे आपने ब्लैंक्स छोड़ने हैं, ओमिट करने हैं वर्ड्स, वहाँ पे सिग्निफिकेंट वर्ड्स की जगह को खाली छोड़ें। व्हेन ओमिटिंग वर्ड्स, इनफ क्लूज आर लेफ्ट सो दैट द स्टूडेंट हु नोज द करेक्ट आंसर कैन सप्लाई द करेक्ट रिस्पॉन्स। और आपका जो ओमिटेड वर्ड है उसके बाद जो स्टेटमेंट बचती है उसमें ऐसा क्लू होना चाहिए कि स्टूडेंट आसानी से स्टेटमेंट को पढ़ के वहाँ पे जो एग्जैक्ट वर्ड है उसको पुट कर सके। इंश्योर दैट ग्रामेटिकल क्लूज आर अवॉइडेड, ब्लैंक्स आर एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। और हर स्टेटमेंट के एंड पे ब्लैंक्स को रखें, उसके स्टार्ट में या बीच में नहीं रखें। द लेंथ ऑफ द रिस्पॉन्सेज आर लिमिटेड टू सिंगल वर्ड और शॉर्ट फ्रेज, इसको हम सिंगल एक में एक पूछेंगे। देन शॉर्ट आंसर्स की हैं गाइडलाइंस। द टास्क इज क्लियरली डिफाइंड, द स्टूडेंट्स आर गिवन एन आइडिया ऑन द स्कोप एंड डायरेक्शन टीचर इंटेंडेड फॉर द आंसर टू टेक। द क्वेश्चन स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिक्वायर्ड बिहेवियर टू पुट दैम इन द करेक्ट माइंड फ्रेम, कंपेयर और एनालाइज। द क्वेश्चन आर रिटन इन द लिंग्विस्टिक लेवल अप्रोप्रिएट टू द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन रिक्वायर्ड अ स्टूडेंट टू डेमोस्ट्रेट कमांड ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, नॉट सिंपली रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग अ स्टूडेंट्स ओपिनियन ऑन अ सर्टन इशू शुड फोकस नॉट ऑन द ओपिनियन बट ऑन द वे इट इज प्रेजेंटेड एंड आर्ग्यूड। अ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्टर मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन आर बेटर देन वन और टू लॉन्गर क्वेश्चन, क्योंकि आप जब ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें आप स्टूडेंट के नॉलेज को ज़्यादा जज कर सकते हैं, वो उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम वक्त में गैदर कर सकते हैं। नाउ टेस्ट असेंबली चेकलिस्ट, व्हेन यू आर असेंबलिंग अ टेस्ट देन दीज चेकलिस्ट शुड बी इन योर माइंड एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एंड असेंबलिंग योर टेस्ट यू हैव टू चेक अकॉर्डिंग टू दिस चेकलिस्ट। आर आइटम्स ऑफ सिमिलर फॉर्मेट ग्रुप टूगेदर, क्या आपने हर एक तरह की टेस्ट आइटम्स को अलग करके उनके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए हैं। आर आइटम्स रेंज फ्रॉम इजी टू हार्ड लेवल ऑफ डिफिकल्टी, क्या जो आइटम्स आपने पेपर में शामिल की हैं वो आसान से मुश्किल की तरफ जा रही हैं। आर आइटम्स प्रॉपरली स्पेस्ड, क्या उनके दरमियान प्रॉपर जगह छोड़ी गई है। आर आइटम्स एंड ऑप्शंस ऑन द सेम पेज, क्या आपकी आइटम्स और उनके मुतलका जवाब एक ही पेज में मौजूद हैं। आर डायग्राम्स मैप्स एंड सपोर्टिंग मटीरियल अबव डिजाइंड आइटम्स एंड इन द सेम पेज विद आइटम्स, जो भी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं या जो क्वेश्चन आपने पूछते हैं, अगर कोई डायग्राम्स हैं जिनको लेबल करवाना है तो क्या वो सेम पेज पे हैं जिस पे क्वेश्चन है। आर आंसर्स रैंडम, क्या जो बच्चों के आंसर्स होंगे वो रैंडम हो सकेंगे। हैव यू डिसाइडेड वेदर एन आंसर शीट विल बी यूज, क्या आपने ये सोचा है कि आपने जो आपका फॉर्म है, क्वेश्चन फॉर्म है, क्वेश्चन पेपर है, उसके ऊपर पेपर सॉल्व करवाना है या आपने बच्चों को एक्स्ट्रा शीट देनी है। आर ब्लैंक्स फॉर नेम एंड डेट इंक्लूडेड, जो आपके ब्लैंक्स हैं उनमें कोई डेट्स और नेम्स वगैरह इंक्लूड हुए हैं। हैव द डायरेक्शंस बीन चेक फॉर क्लैरिटी, क्या पेपर के ऊपर आपने डायरेक्शंस क्लियरली मेंशन की हुई हैं। हैज दैट हैज बीन प्रूफ रीड फॉर एरर्स, क्या आपने पेपर को एक दफ़ा टाइप करने के बाद उसका एक प्रिंट लेके प्रूफ रीडिंग की थी ताकि आप उसके एरर्स को ख़त्म कर सकें। डू आइटम्स अवॉइड रेशियल एंड जेंडर बाइसेस, क्या कोई ऐसी आइटम तो नहीं जिससे जेंडर और रेशियल बाइसेस क्रिएट हो सकें। नाउ दीज टू लिंक्स आर फॉर द रेफरेंस पर्पज एंड द अबव रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू, क्या आप एक दफ़ा इस पेज को ज़रूर विजिट कर लें। एंड फॉर फर्दर डिटेल्स, मैंने कुछ डिटेल्ड मटीरियल आपके टीचर्स को प्रोवाइड कर दिया है, आप उस पेज के ऊपर से भी इस लिंक को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।